सिखाया था वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, कर लिया है ना अच्छी तरह से, गुड। तो आज मैं आप लोगों को बुक के अंदर से बुक निकालो, कौन सी बुक निकालनी है, आर्ट एंड एक्टिविटी ये वाली बुक निकालनी है और उसके अंदर पेज नंबर 5 देखो कौन सा पॉइंट दिया है आप लोगों को, बिहार यानी कि एक मधुमक्खी का हनी बी का एक मधुपुरा जो होता है ना ओके उसको बिहार बोलते हैं ओके, वो आप लोगों को ड्रॉ करके दिया है और ड्रेस लाइन के अंदर आप लोगों को ऐसे पलर फिलअप करना है ओके। पहले ड्रेस लाइन के ऊपर आप लोगों को आउटलाइन देनी है और उसके अंदर आप लोगों को कलर फिलअप करना है ओके। देखो इसके अंदर आप लोगों को 3 कलर के शेडिंग दिए है, एक येलो है, ऑरेंज है और एक ब्राउन कलर दिया है ओके। 3 कलर की शेडिंग अब आएंगे, हम लोग 1-1 कलर के ही शेडिंग करते हैं ओके। 1 कलर कैसे फिलअप करना है वो मैंने आप लोगों को सिखाया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को मिठाई के अंदर कैसे कलर फिलअप करना है, शेडिंग कैसे करना है वो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों को ड्रेस लाइन के ऊपर ब्लैक कलर की आउटलाइन देनी है ओके। तो चलो ब्लैक कलर में कलर समझो, कलर सब लोगों ने ब्लैक कलर, गुड। चलो अब हम लोग इसके ऊपर जहाँ पे भी आप लोगों को ड्रेस लाइन दिया है उसके ऊपर हम लोग आउटलाइन को दे देंगे। सभी ड्रेस लाइन के ऊपर हम लोग आउटलाइन देंगे, लास्ट फिंगर को बाहर रखनी है ताकि ये पेड़ का काम करे ओके। ड्रेस लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए आप लोगों को ध्यान रखना है, अच्छी तरह से ड्रेस लाइन के ऊपर भी आप लोगों को आउटलाइन को देनी है। किसी भी ड्रेस लाइन ना रह जाए आप लोगों को ध्यान रखना है ओके। Thank you.
साइड से थोड़ा सा डार्क करेंगे। ओके, अब कौन सा कलर आएगा? ब्राउन कलर। चलो ब्राउन कलर निकालो। एक साइड से ही हम लोग ब्राउन कलर ही वो घुमाएंगे। देखो एक साइड है वो लाइट लग रहा है क्योंकि उसके ये जो लाइट पार्ट है ना उसके ऊपर शेडो यानी कि प्रकाश आ रहा है। ओके, लाइट पड़ रही है इसके ऊपर इसलिए ये लाइट पार्ट है और जिसके ऊपर लाइट नहीं दिख नहीं पड़ रही है तो वो डार्क पार्ट हो जाता है। ओके, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर ब्राउन कलर कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा डार्क हो जाए। अगर समझ में ना आए तो ये वीडियो दो तीन बार पहले देखना। पहले मैंने फर्स्ट कोट किसका लगाया था? येलो कलर। यस, लाइट कलर ही येलो कलर फिलअप करना है। फिर उसके ऊपर ऑरेंज कलर मैंने फिलअप किया था लेकिन लाइट कलर। ओके, और उसके बाद थर्ड कलर कौन सा आया था? ब्राउन कलर। तो ब्राउन कलर भी आप लोगों को अच्छी तरह से कम्प्लीट करना है। ओके, ये मैंने कैसे वर्ड मार्क में कलर करना सिखाया। और सेकेंड पार्ट में देखो आप लोग को अलग अलग पार्ट नहीं दिखेंगे, एकदम लाइट डार्क कैसे जा रहा है ना, इसी तरह से आप लोगों को फिलअप करना है। ओके, अच्छी तरह से पहले प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा है तो कोई भी बुक में रख में प्रैक्टिस कर लेना और बाद में आप लोग ये बुक के अंदर कंप्लीट करना। गुड, वेरी गुड चाहिए ना आप लोगों को तो अच्छी